अडानी जी के मित्र जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी को एकाएक इस देश का गरीब याद आ गया है। 9.5-10 साल में गरीब नहीं याद आए थे, गरीब जब अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, गरीब जो आटे और दही पर जीएसटी दे रहे हैं, गरीब जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, गरीब जो 1200 रुपए पर सिलेंडर खरीद रहे थे, तब मोदी जी को याद नहीं आए थे। अब मोदी जी को देश के गरीब याद आ रहे हैं। पता है क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की वादा खिलाफी ये देश देख रहा है, मोदी जी का दोहरा मापदंड ये देश देख रहा है, ये देश देख रहा है कि कैसे पिछड़ों के साथ लगातार मोदी जी ने धोखाधड़ी करी है। अब जब बिहार के सर्वे में कुछ आंकड़े आए हैं, 63% पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी मिलाकर है, उसमें आप दलितों को ऐड कर दीजिए जो 84% से ज्यादा है, इनका प्रतिनिधित्व क्या है और क्यों इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? क्यों मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं? क्यों मोदी जी ने महिला आरक्षण में ओबीसी को जगह नहीं दी? क्यों मोदी जी 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को साझा नहीं कर रहे हैं इस देश के साथ? ये इनकी वादा खिलाफी है और ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये दोहरा मापदंड है। लेकिन असलियत ये है कि मोदी जी ने इस देश को एक वादा किया था, लेकिन इनकी नाक के नीचे इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है, और इस सबका सबसे बड़ा कुप्रभाव देश के गरीबों पर पड़ता है। बट इधर उधर की बात करके मोदी जी आप जातिगत जनगणना से नहीं बचिएगा, आप पिछड़ों के प्रतिनिधित्व से नहीं बचिएगा। जब राहुल जी कहते हैं कि 90 प्रमुख सचिवों में से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपका इसके पास क्या जवाब है? आपके 10 मुख्यमंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है और अब उनकी भी रुखसती होने वाली है। महिला मुख्यमंत्री 1 भी नहीं है, जो एक थी उनका आप क्या हाल कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है। तो मोदी जी आपके गले की फांस बन गई है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ये मांग थमने वाली नहीं है, अब ये मांग रुकने वाली नहीं है। जितनी आबादी उतना हक देना पड़ेगा। अब ये जो आप जलेबी बनाते रहे जातिगत जनगणना पर, जो आप जलेबी बनाते रहे प्रतिनिधित्व पर, अब उस पर भी आपको साफ तौर से आपका क्या मत है वो देश के साथ साझा करना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो 2024 में आके हम जरूर जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपके पास मौका है वो जनगणना कराने का, 2011 की जनगणना के आंकड़े साझा करने का, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना रेड कराकर विषयांतर करने का, वो शिगुफा है और दुनिया समझती है। आप कुछ पत्रकारों पर रेड करा दीजिएगा, वो फिर से आपसे कल से 40 सवाल पूछेंगे जिनका आपके पास एक भी जवाब नहीं होगा। तो विषयांतर करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए अब आप कुछ भी करिए, ये देश अब आपके पैतरे समझ चुका है और ये देश जानना चाहता है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री लगातार बिना पलक झपकाए झूठ क्यों बोलता है और जातिगत जनगणना पर आपका क्या मत है। सुप्रीम कोर्ट पे आप कुछ कहते हैं और उसके बाहर कुछ कहते हैं, अब ये जलेबी चलेगी नहीं। जितनी आबादी उतना हक तो आपको देना पड़ेगा।